सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या है कैसे? देखिए, बड़े दुख का विषय है, हमारे उत्तर प्रदेश के जाने पहचाने जुझारू नेता स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का देहांत हो गया। आज उनकी याद में भारतीय किसान महाशक्ति ने बुलंदशहर काले आम पर 2 मिनट का मौन धारण किया और ऊपर वाले से दुआ की है, हमारे पूरी टोटल समस्त यूनियन ने, कि उनको अच्छा स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अपनी छवि बनाई है। पहले हमारे उत्तर प्रदेश के जाने पहचाने नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उठाने का काम किया था बाबू जी ने, और आज जो सब अपने अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं राम मंदिर को लेकर, और राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है ये भी स्वर्गीय हमारे बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी की देन है। जिस वक्त मुख्यमंत्री रहे उस दौरान बुलंदशहर के लिए भी बहुत कुछ किया, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज इसलिए देश की क्या, उत्तर प्रदेश की क्या, देश की जनता उनको याद कर रही है कि उत्तर प्रदेश से पूरे देश में उनका नाम इस तरीके से फैल चुका जिस तरीके से जाल बिछ गया हो। आज उनके नाम से उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता था और पहचाना जाता है, और ऐसी छवि वो अपनी छोड़कर गए, तो मैं चाहता हूँ कि सभी नेता उनकी छवि के अनुसार अपने पालन करेंगे और कार्य करेंगे कार्य पार्टी में, लगता है मुझे। क्या नाम है? संगीता त्यागी। हाँ मैम, आप भी दो शब्द कहिए बाबूजी। देखो, बाबूजी के बारे में तो बस मैं यही शब्द कहूँगी कि ना उन जैसा कोई नेता हुआ है ना ही कोई होगा। शायद हम लोग उनके पीछे कदमों पे चल रहे हैं, मगर मुश्किल है कि हम उनका सामना कर पाएँ किसी भी बात में। वो हर चीज़ में अव्वल रहे, आगे रहे, देश को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सक्षम रहे, बस मैं इतना ही कहूँगी। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर।